नमस्कार। मिलते हैं महान हस्तियों सेगमेंट में। आज मैं एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज 15 अक्टूबर है और एक दिन था 15 अक्टूबर 1931। रामेश्वरम के एक मल्लाह के घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसे आज हम एक वैज्ञानिक संत, शिक्षाविद, महान वैज्ञानिक और भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के रूप में जानते हैं। तो आज मेरा मन हुआ कि महान हस्तियों वाले सेगमेंट में इसको हम इनके बारे में जानें, तो मैंने एक वीडियो बनाया है, सबके कलाम सब में कलाम। मेरा मानना है कलाम सबके हैं और सब में हैं, बस उन्हें महसूस करने की आवश्यकता है और इसी महसूस करने से संबंधित ये वीडियो है। प्रारंभ करते हैं जब वो राष्ट्रपति भवन से विदा होते हैं उस घटना से कि उनके पास मेरा अपना कहने के लिए क्या था। कहते हैं कि उनके पास जो खुद का था, जिसको कहते हैं कि मेरा अपना है, उसमें लगभग 2500 किताबें थी, एक हाथ घड़ी थी, 6 कमीजें, 4 पतलून, 1 जोड़ी जूते, ना कोई टीवी, ना कोई फ्रिज, ना कोई एयर कंडीशनर, ना उनके नाम पर कोई कार थी। जब सरकार ने उनसे पूछा, राजा जी मार्ग पर जो पूर्व राष्ट्रपति का आवास होता है उसे पूछा जाता है कि कोई विशेष सुविधा आपके लिए चाहिए, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक अच्छी क्षमता वाले इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता है। ये थे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, जो प्रत्येक भारतीय के दिल में धड़कते हैं। एक वाक्य और आपसे साझा करना चाहूंगा। वो वाक्य है जब 1999 में वो अपनी सारी सरकारी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर वापस अन्नामलाई यूनिवर्सिटी में अध्यापन करने के लिए चले गए थे। तो 10 जून 2002 की बात है, अन्नामलाई विश्वविद्यालय में वो जिस कक्षा में पढ़ाते थे, जहां 60 शिक्षार्थियों के बैठने की जगह थी, परंतु वो कक्षा नहीं होती थी, वो एक जलसा होता था जिसमें 350-400 बच्चे बैठकर पढ़ते थे। जब वो अपनी क्लास लेकर वापस बैठे थे तो वहाँ के उस समय के जो वाइस चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी के, डॉक्टर ए कलानिधि, वो डॉक्टर कलाम के पास आए और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस आपसे संपर्क करना चाहते हैं। तो जब कलाम फोन पे गए और कहा गया कि अभी प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहेंगे, थोड़ी देर बाद में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो ठहरी हुई सी आवाज़ थी, भावपूर्ण आवाज़ थी, वो सुनाई दी और उन्होंने पूछा, डॉक्टर कलाम ने ये लिखा है अपनी पुस्तक में, उन्होंने पूछा कि कैसा चल रहा है कलाम जी आपका अध्यापन का काम। कलाम ने कहा कि बहुत अच्छा चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम आपकी सेवाएं देश के राष्ट्रपति के रूप में चाहते हैं, हमें आप पर आपका फैसला इस पर चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि मुझे इसके लिए सोचने का समय दिया जाए, 1 घंटे बाद मैं आपको बताता हूं कि मैं इस पर क्या सोचता हूं। वाजपेयी जी ने फिर कहा कि मुझे आपका इस पर ना नहीं चाहिए, मुझे आपकी इस पर मंजूरी चाहिए। और उस समय के बाद वो हमें एक उन्होंने हामी भरी और वो 11वें राष्ट्रपति के रूप में भारत की सेवा करने के लिए तैयार हुए। 18 जून 2002 वो जब वो नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए गए, तो जब वो नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे, जब उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया, तो वाजपेयी जी ने चुटकी ली कि आप भी मेरी तरह कुंवारे हैं कलाम जी। तो कलाम साहब ने उत्तर दिया कि प्रधानमंत्री महोदय, मैं सिर्फ कुंवारा ही नहीं हूँ, ब्रह्मचारी भी हूँ। ये थे हमारे कलाम। एक और वाक्य है, मई 2006 में उनके परिवार के 52 लोग 8 दिन के लिए राष्ट्रपति भवन में आए। तो कहते हैं जब 8 दिन बाद वो गए, उसके बाद वो अजमेर शरीफ भी गए बस के अंदर, तो 8 दिन का उनका रहना, उनका खाने पीने का और उनके अजमेर जाने वाली बस का सारा खर्चा जो था, वो कलाम साहब ने अपनी जेब से, निजी वेतन से दिया, जिसकी कीमत उन्होंने उस समय चेक काट कर दी, 3,52,000। और यहाँ तक कि उनकी एक एक चाय की प्याली का पैसा जो है वो भी उन्होंने दिया। एपीजे अब्दुल कलाम के बड़े भाई का पोता, जब वो राष्ट्रपति थे तो वो दिल्ली में कहीं काम करता था, तो मुनेरका में किराए के कमरे पर रहता था। एक बार उनके भाई, उनकी बेटी और उनका पोता जो है, दिसंबर 2005 में हज की यात्रा के लिए गए, तो जब ये पता लगा सऊदी अरब में वहाँ भारत के राजदूत को कि राष्ट्रपति के परिवार से कोई आया, उन्होंने राष्ट्रपति भवन में फ़ोन किया और कलाम साहब से बात की कि
हम उनको सरकारी सुविधाएं दे क्या। तो डॉक्टर कलाम ने जो कहा वो हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरे 90 वर्ष के भाई को एक आम तीर्थयात्री की तरह दर्शन करने की इजाज़त होनी चाहिए, उसमें इन्हें कोई विशेष तरह की दिक्कत ना हो, इतना सहयोग आप कर दें। आपसे किसी अन्य सहयोग की हमें इच्छा नहीं है। नवंबर 2002 में कलाम साहब ने राष्ट्रपति भवन के अंदर लोगों को बुलाया कि इफ्तार पार्टी का आयोजन हम क्यों करते हैं और इस पर कितना खर्चा आता है। जब पता किया गया राष्ट्रपति भवन के आतिथ्य ग्रह से तो पता लगा कि सालाना 2 लाख रुपए के करीब खर्चा आता है। तो कलाम साहब ने कहा कि यहाँ जो इफ्तार खाने आते हैं वो सारे खाते पीते लोग हैं, क्यों ना इस पैसे का उपयोग हम अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए करें। फिर उन्होंने सूची बनवाई, 28 ऐसे अनाथ आश्रमों को चुना गया जहाँ पर रोटी, दाल, स्वेटर और कंबल का वितरण किया गया। जब ये वितरण करके वो वापस आए तो कलाम साहब ने अपने सचिव को फिर बुलाया कि ये पैसा तो सिर्फ सरकारी पैसा था, इसमें मेरा तो कुछ नहीं लगा, इसमें मेरा भी कुछ दीजिए। उन्होंने अपने निजी खाते से 1 लाख का चेक काट कर दिया कि ये पैसा भी उन्हीं बच्चों में उसी तरह से वितरित कर दिया जाए। ये थे डॉक्टर कलाम। डॉक्टर कलाम का मानवीय पक्ष बहुत मजबूत था। कहते हैं कि वो एक बार राष्ट्रपति भवन के गार्डन में घूम रहे थे, उन्होंने देखा कि एक मोर जो है वो अपना मुंह न खोल पा रहा है न बंद कर पा रहा। नजदीक गए, पता किया तो पता चला कि उसके मुंह में ट्यूमर है। राष्ट्रपति भवन के वेटरनरी सर्जन को बुलाया गया, उन्हें निर्देशित किया गया और उस मोर के जो ट्यूमर था उसका इलाज किया गया। उसको 7-8 दिन ICU में रखा गया। उसके बाद डॉक्टर कलाम ने उसकी प्रत्येक दिन की रिपोर्ट लेते हुए उसका उपचार करवाया। ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। एक समय डॉक्टर कलाम के जीवन में ऐसा भी आया जब उन्हें टूटन हुई। वो NDA के लिए सिलेक्ट नहीं हुए, अपनी बहन के गहने गिरवी रखकर देहरादून ऋषिकेश में वो गए थे इंटरव्यू देने के लिए और उन्हें बहुत विश्वास था कि मैं सिलेक्ट होकर आऊँगा और मैं अपने वेतन से ये जो गहने हैं गिरवी रखे हुए छुड़वा लूँगा। सिलेक्शन नहीं हुआ और शाम को टूटे हुए मन से वो माँ गंगा के किनारे शिवानंद आश्रम के किनारे एक शिलालेख पर बैठ गए और शिलाखंड पर बैठ गए और उनके मन में विचार आया कि मैं आत्महत्या करूँ। तभी स्वामी शिवानंद जी ने उन्हें देखा, उन्हें बुलाया कि एक बालक अनमना सा घूम रहा है, तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर कलाम की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वापस जाने के पैसे नहीं है, बहन के गहने गिरवी रख के आया हूँ, नाकामयाब हो गया, सोचता हूँ जीवन खत्म हो गया, जीवन यहाँ समाप्त कर लूँ, आत्महत्या कर लूँ। स्वामी जी उसे अपने साथ अपने आश्रम में लेकर गए, रात को अपने पास ठहराया, भोजन कराया, सुबह आने के लिए उनको किराया दिया। आते वक्त डॉक्टर कलाम ने पूछा कि आप तो महात्मा हैं, आप संत हैं, आप बताइए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। स्वामी जी ने कहा कि भगवान ने तुम्हें NDA में सिलेक्ट होने के लिए नहीं भेजा, तुम्हारे लिए कुछ और अन्य चीज़ निर्धारित की गई, तुम्हारे जीवन को किसी और बड़े निमित्त के लिए निर्धारित। और ये उन्होंने अपने अग्नि की उड़ान में लिखा है कि असफलता जब भी मिले तो हमें टूटना नहीं चाहिए, हमें भगवान ने किसी अन्य कार्य के लिए बनाया है। और एक और घटना है, कहते हैं कि SLV के सफल लॉन्चिंग के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सतीश धवन जी और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को उस समय के जो हमारे सांसद थे उनसे मिलने के लिए बुलवाया। तो जब कलाम जी को ये पता लगा तो उन्होंने कहा कि सर मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो सिर्फ एक चेरपू है, चेरपू तमिल में चप्पल की जोड़ियों को कहते हैं, तो मैं क्या पहनूंगा और कैसे जाऊंगा। तो सतीश धवन जी ने कहा कि तुम पहले से ही सफलता का सूट पहने हुए कलाम, तुम्हें जरूर जाना। और जब वो वहाँ गए उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी से इंदिरा गांधी जी ने मिलाया कि ये डॉक्टर कलाम हैं, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें अपने गले लगाए और इंदिरा जी ने चुटकी लेते हुए कहा कि अटल बिहारी जी, डॉक्टर कलाम जो हैं वो एक मुसलमान हैं। तो वाजपेयी जी ने उत्तर दिया कि प्रधानमंत्री महोदय, डॉक्टर कलाम पहले एक भारतीय हैं और सबसे बड़ी बात है कि वो एक सच्चे और महान वैज्ञानिक भी हैं।
ये शब्द निकलना, और एक ऐसे व्यक्ति जो ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए थे, ना उनके परिवार में कोई राजनीतिक व्यक्ति था, फिर भी वो भारत के सर्वोच्च स्थान पर जो आसीन हुए, वो उनकी सादगी, उनकी लग्न और उनकी ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा के कारण ही संभव हो पाया। अन्यथा आज तक भारत के अंदर कोई राष्ट्रपति ऐसा नहीं बना जो किसी राजनीतिक दल विशेष से संबंध ना रखता। एक और बात क्या है, जब दूसरी बार प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शपथ ली तो उन्होंने डॉक्टर कलाम को बुलाया और कहा कि मैं आपको अपने मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहता। इस पर डॉक्टर कलाम ने उनसे कहा कि मुझे एक दिन का सोचने का समय दिया जाए। एक दिन बाद डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिले और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री महोदय, अभी इस समय देश की जो रक्षा और परमाणु शोध का जो कार्य है वो अपने चरम पर है और बहुत जल्द समाप्त हो जाने वाला है, तो मैं आपके मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो सकता, मुझे उस कार्य को करने की अनुमति दी जाए। प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार किया। 2 महीने बाद पोखरण में परमाणु विस्फोट करके ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर कलाम ने वो पद क्यों छोड़ा था। ये एक और वाक्य है कि 1952 में सीवी रमन के बाद अगर किसी को भारत रत्न दिया गया तो वो थे डॉक्टर कलाम। तो हमें आज उनके जन्मदिन पर उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए। मैं जब ये वीडियो बनाने की सोच रहा था तो मुझे पता नहीं था कि मैं क्या क्या बोलूंगा, क्योंकि उनके जीवन का हर पहलू जो है वो एक अपने आप में एक संस्मरण है। तो अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, और इस महान विभूति को मैं अपने हृदय से, अपनी आत्मा से प्रणाम करता हूँ। नमस्कार।